नमस्कार साथियों, अभी हम हैं इलाहाबाद और प्रयाग कहिए, जो योगी जी ने नाम चेंज किया है, और अभी हम केपी ग्राउंड में मौजूद हैं। कल यहाँ पर बहन जी की जनसभा होनी है, चुनावी जनसभा होनी है। अभी देख सकते हैं हेलीपैड की तैयारी चल रही है, इधर पर मंच बन रहा है बहन जी का। जिस प्रकार आप देखते हैं, हम हर रैली में आपको हर जनसभा में दिखा रहे हैं जिस प्रकार बहन जी का मंच तैयार किया जाता है। कल इलाहाबाद मंडल की जनसभा होनी है, चुनावी जनसभा होनी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है, देख सकते हैं लगातार बहन जी अपनी लगातार जनसभाएं पूरे प्रदेश भर में कर रही हैं। और यूपी का चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, और इस बार जिस प्रकार से बीएससी पे कहा जा रहा है कि वो रेस में नहीं है, वो कहीं नहीं है, लेकिन लगातार बहन जी चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। ये तस्वीर हम आपको केपी ग्राउंड की दिखा रहे हैं, कल जहाँ पर जनसभा होनी है। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं, इधर हेलीपैड की तैयारी चल रही है देख सकते हैं, और तमाम यहाँ पर लोग हैं। एक हमारे साथ युवा साथी हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार चुनाव में। हाँ, इस बार तो बहन जी चुनाव मुद्दा रहेगा पूरा। अच्छा, बहन जी को वोट दोगे? बहन जी को वोट देंगे, हम यादव हैं, पूरा सपोर्ट है। यादव हैं, अखिलेश यादव को नहीं दोगे? अखिलेश को नहीं देंगे, बहन जी को देंगे हम वोट। ऐसा क्यों? हम बहन जी को हम लोग मानते हैं, बहन जी को मानते हैं। हाँ, और हमारा बहन जी में क्या अच्छा नजर आता है? बहन जी में जो है बहुत बहुत कुछ है जो है बहन जी, सरकार बनने पे बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, तो अखिलेश सरकार में नहीं मिलेगा? अखिलेश सरकार में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन उनके में ठीक है। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, बर्बाद कर दिया देश पूरा यूपी। कहाँ कर रहे हो, तो कह रहे विकास की गंगा, विकास नहीं, बर्बाद हो गया पूरा यूपी। यूपी बर्बाद है? बर्बाद हो गया। अच्छा, हाँ, पूरा पूरा बर्बाद है यूपी, खत्म हो गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सुरक्षा दे रहे हैं, गुंडे भाग गए, कुछ नहीं दे रहे हैं, सब देख रहे हैं हम लोग, इतना बेरोजगारी हुआ है, लोग परेशान हैं। और कहा जी सर, आप जी आप बताइए सर, क्या रहेगा इस बार इलाहाबाद का माहौल? इलाहाबाद में इस बार 12 सीट है, यहाँ इलाहाबाद जनपद में कम से कम 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 10 सीट है? 10 सीट है। बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं यार, एकदम बड़ा आंकड़ा, जीत चुके हैं। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 प्लस जीत रहे हैं। 400 सीट कहाँ, 400 सीट पे लड़ ही नहीं रहे तो कहाँ 400 सीट जीतेंगे? मतलब गठबंधन उनका जीत रहा है? गठबंधन, और रहेंगे 100 के नीचे रहेंगे, 400 नहीं। इलाहाबाद की मूलभूत समस्याएं क्या है सर, जो सरकार नहीं कर पाई? यहाँ सबसे मूलभूत समस्याएं बेरोजगारी है। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतना लाठी मारे हैं पुलिस वाले, तो वो कहाँ जाएगा? तो क्या वो मुद्दा बनेगा इस बार? वो एकदम मुद्दा, एकदम समझ लीजिए बहुत अच्छा बनेगा मुद्दा। सर रोजगार में क्या कैसा रहा? रोजगार कुछ नहीं रहा इनका। अच्छा? कुछ नहीं रहा रोजगार, एकदम छलावा रहा। जो भी ये बातें करते हैं एकदम बेकार की बातें करते हैं, मतलब बेकार की बात। हाँ हाँ, इनका सारा काम जो है पेपर पे रहता है, जमीन पे कुछ नहीं रहा, सब निजीकरण कर दे रहे हैं। इनकी योजनाएं जो है शिक्षा जो है मीडियम क्लास शिक्षा से वंचित कर दो, स्कूल कॉलेज बंद रखते हैं, और जो है सब निजीकरण कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट की योजना पुरानी पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने ख़त्म किया था, एक विधायक मंत्री बन जाए एक दिन के लिए तो उसे पेंशन चाहिए, और कर्मचारी बेचारा पूरा जीवन खपा देता है, उसकी पेंशन एक खाक है। यहाँ पुरानी पेंशन जो है आज जो है सपा दे रही, बहन जी बहाल कर रहे हैं, बहाल करने के लिए सपा भी तैयार है, भांजी भी कर रहे हैं देने के लिए, ये लोग कर रहे हैं। और भाजपा ने मुद्दा जो है ख़त्म कर दिया, पुरानी पेंशन ख़त्म कर दिया, और टीचर जो धरना प्रदर्शन जाते हैं उनको लाठी पीटा जाता है, और अगर बेरोजगार बेचारे परेशान हैं यहाँ कमरा लेकर, 1000-4000 बेचारे कमरा ले पड़े हैं, अगर वो बेचारे आंदोलन करते हैं रोजगार मांगते हैं तो उनको पीटा जाता है, कमरे में घुस घुस मारा जाता है। तो ये गवर्नमेंट की जो है ये ढंग की योजनाएं हैं भाजपा की, तो भाजपा धर्म कर्म में लोगों को जो है एक अफीम पिलाना चाहती है, इसलिए कंवरिया से लेकर के सब कुछ बढ़ावा देती है कि ये पढ़े लिखे ना, इनको बढ़िया फूल वर्षा करिए, ये मद मस्त रहे धर्म कर्म में। हाँ, जब से नाम चेंज हुआ इलाहाबाद का कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ नाम नहीं चेंज विकास करने का कोई फायदा? अरे नाम क्या चेंज करेंगे, ये दूसरे का बनाई हुई चीज को ये जाते हैं अपना स्टिकर लगा देते हैं, तो उसे क्या हो जाता है, क्या ये काम किए हैं, बस यही ये लोग किए। कोई नहीं परिवर्तन हुआ है, कोई परिवर्तन जो शासन काल जो बेहतर व्यवस्था रोजगारी का और प्रशासन का जो लाइन ऑर्डर था बहन जी के शासनकाल में, वो आज यहाँ भारत नहीं विदेशों में इनका शासनकाल
लॉ ऑर्डर योगी जी का ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चला रहे, एकदम ठोको नीति। तुम ठोको नीति नहीं, यहाँ विकास की बात करबे नहीं करते, ठोको नीति कर रहे हैं। बिल्डोजर चलेगा अभी? अरे बिल्डोजर, बिल्डोजर वाली सरकार है तो बिल्डोजर नहीं चलेगी तो क्या चलेगी भैया? कह रहे गर्मी, गर्मी जो है ठंडी पड़ जाएगी, गर्मी 10 तारीख को निकल जाएगी। हाँ 10 तारीख को गर्मी निकल जाएगी। कोई गर्मी की बात कर रहा, कोई चर्बी की बात कर रहा, बहन जी भर्ती की बात कर रही है। हाँ तो बहन जी अच्छी लीडर है भारत में, कोई ऐसा लीडर है बहन जी के ऐसा? आप बताइए भारत में कोई लीडर है बहन जी के जैसा? अब मान लीजिए माननीय मोदी जी हैं, ये कहते हैं इनकी क्या नीतियां हैं? कुछ नहीं, एकदम बेकार की बात करते हैं, एकदम बेकार की। 23 लाख नौकरियां बहन जी दी हैं अपने शासन काल में, 23 लाख। विदेशों में डंका बज रहा मोदी जी का? मोदी जी का नहीं, विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं। हाँ बुद्ध नहीं, हम बुद्ध से आए हैं, युद्ध नहीं चाहते हम बुद्ध से। और यहाँ आते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये नहीं कहते राम के देश से आए हैं? नहीं नहीं, ये कह दे तो उनको वहीं लौटा दे तुरंत, वहीं से एयरपोर्ट ही से। जी सर, क्या रहेंगे इलाहाबाद में स्वाभिमत चुनाव में? इलाहाबाद में अब पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की फुल बहुमत में सरकार बनने वाली है और सभी पार्टियाँ इससे परेशान हैं कि बहन जी पूरा विकाल रूप से यहाँ पे आ गई हैं। और जो ठोको नीति आप बता रहे हैं, ये ठोको नीति नहीं है, ये जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की आएगी तो ये ठोको नीति छोड़ दीजिए आप। इनका चिलम जो बाबा साहब पीते हैं, इस चिलम को ढूंढने का काम बाबा मतलब जो योगी जी हैं, बाबा जी हैं, इनका चिलम ढूंढने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और इनका चिलम ये जहाँ जहाँ छिपा के रखे हैं इनका चिलम खत्म करेगी। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से गुंडे यूपी छोड़कर भाग गए, महिलाएं सुरक्षित हैं, आप घर से बाहर निकल सकती हैं? नहीं नहीं, कहीं सुरक्षित नहीं है। आप तो देख रहे हैं सरकार में क्या पोजीशन है, किसी की सुनी नहीं जा रही है। दिन मतलब इनको अगर बुलडोजर से गिराना है तो केवल एक ही आदमी दिखता है, ब्राह्मण ही दिखता है या मुस्लिम ही दिखता है। इनको जो बड़े बड़े माफिया इनके समाज के नेता हैं उनको इन्होंने नहीं गिराया, इनका बिल्डिंग नहीं गिराया गया? कह रहे वो अपराधी थे जो मारा, अगर ब्राह्मणों के नाम से सवाल पूछा जाए। नहीं अपराधी क्या, राजा भैया नहीं है? राजा भैया अपराधी नहीं है, वो भी तो अपराधी तो पक्षपात है। क्यों बिल्कुल पक्षपात है, टोटल पक्षपात है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है और किसी की सुनी नहीं जा रही है। शासन प्रशासन पंगु हो चुकी है, तो सबका विकास की बात कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। आप बता दीजिए पांच विकास, आज विकास बता दीजिए। आप बताइए 5 किलो गेहूं में लोगों को एकदम समझ लीजिए कि क्या दशा कर दे रहे हैं ये जनता। 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राशन को? अरे 80 करोड़ 5 किलो गेहूं में क्या उनकी जीवन पार हो जाएगा? गेहूं में अगर 80 करोड़ वो दे रहे हैं तो इधर पेट्रोल का रेट भी तो आप देखिए, तेल का रेट देखिए, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है। गैस सिलेंडर पहले 400 मिलता था, आप कितने में 1000 रुपये मिल रहा है, तो इससे आप क्या समझेंगे? अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन के उनके हिसाब से कितना होता है? 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया दे करके पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं वो। तो क्या चाहते हो आप राशन की जगह? भाई राशन की जगह हमको राशन नहीं चाहिए, हमको राशन बांटने वाला से बनाना चाहिए। हमको सबसे सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, बेरोजगार आप खत्म कर दिए, मुझे राशन की जरूरत नहीं है। तो आप लैपटॉप भी नहीं बांटोगे ना, टैबलेट दोगे? हमको लैपटॉप बांटना ही नहीं है, हमको तो रोजगार देना है ना। अगर हम रोजगार देंगे तो लैपटॉप अपने आप आ जाएगा। इतना विश्वास क्यों है? आपने कहा कि BSP की सरकार बनी, BSP की सरकार 100% बन रही है, इसको आप नोट कर लीजिए, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि BSP की सरकार कैसे बन रही है। पर मीडिया तो बिल्कुल आपको खत्म, मीडिया कब बताई है? जब हमारी 2007 में सरकार बनी थी, मीडिया उस समय मुझको 0 बता रही थी। आज की डेट में देखिए, आज भी मीडिया 0, मीडिया तो बिल्कुल भी की हुई है। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को कुछ मालूम चल जा रहा है कि क्या है पोजीशन क्षेत्र की, हमको तो ये दिखाई नहीं रहे। सर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, अखबार, टेलीविजन या और दूसरी मीडिया है, वो बहन जी से परहेज क्यों करता है? नहीं, बहन जी से परहेज इसलिए करते हैं, ये तो माननीय साहब कहते हैं, देखिए आप जो है मीडिया के भरोसे काम मत करिए, हमारी पार्टी, हमारी नेता जो है कार्यकर्ताओं के बल पे काम करती है और हमारे कार्यकर्ताओं जो है एकदम राकेट की तरह काम करते हैं, जमीन पे उतर के काम करते हैं। इन लोगों की तरीके एकदम सड़क पे जा करके हल्ला नहीं मचाते, हम लोग जमीन पे काम करते हैं। मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ,
मैं लेकिन बहन जी लगातार अपने जनसभा में कह रही हैं कि हमारे जो लोग हैं ना जातिवादी मीडिया पे बिल्कुल भरोसा ना करें। वाकई में जातिवादी है मीडिया? नहीं, मीडिया मीडिया तो देखिए भाजपा के बिल्कुल पंगु बन गई है। सारे भाजपा खरीद लिया है, भाजपा के लोग जो भी हैं उनके कहीं ना कहीं उस मीडिया से कनेक्ट हैं। अरे नहीं बेहद लड़ाओ नहीं, इसलिए भाजपा वालों के अलावा कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। जब नहीं दिखाएंगे तो हमको तो जीरो दिखाएंगे ही। उनको सड़क केवल चौड़ी चाहिए 60-60 फुट का, जो पब्लिक आम जनता मर गई यहाँ पर, कम कम एक लाख पब्लिक मरी होगी, ताकि हर व्यक्ति जो है यहाँ कमजोर हो जाए। हर विधानसभा से कम मतलब इतनी भीड़ हो जाएगी जो काल का वो देख करके प्रोटोकॉल देख करके उस हिसाब से हम लोगों का कार्यक्रम किया गया है। सर इलाहाबाद में 12 सीटें कितनी जीत पाओगे? 12 में से हम लोग 12 जीत रहे हैं। 12 जीत रहे हैं, 12 में से 12 जीत रहे हैं, एक भी सीट हमारे नहीं रही। ये आप समझ लीजिएगा। अच्छा, सब ध्वस्त हो जाएंगे 10 तारीख के। शहरी वोट कहा जाता है तो बीजेपी का है? कोई बीजेपी का वोट नहीं है, शहर वोट शहर में, ये तो हमारी बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है और सर समाज के लोग जुड़ गए हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या ब्राह्मण, हर समाज के लोग जुड़ गए हैं। सर समाज की पार्टी हो गई है और 12 सीट हम लोग जीत करके 10 तारीख को आ रहे हैं।